सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता आदि शक्ति के 9 अलग अलग रूपों का पूजन विधि विधान से किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन से माता रानी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को संसार के सभी सुख प्रदान करती हैं। लोकल 18 से बात करते हुए आचार्य पंकज सावरिया ने बताया कि कालासुर नाम का एक दैत्य था जिसे ना तो देव मार सकते थे ना ही देवियां। ऐसे में माता दुर्गा ने अष्टमी के दिन कंजिका अर्थात कन्या का रूप धारण कर जन्म लिया और कालासुर का वध कर दिया। तभी से कन्या पूजन प्रारंभ हुआ। तो आइए आचार्य पंकज सावरिया से ही जानते हैं कि कन्या पूजन का धार्मिक महत्व क्या है, कन्या पूजन का विधान और कन्या पूजन के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया गया है, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि कन्या पूजन किया क्यों जाता है। कन्या पूजन का विधान जो है वो एक कालासुर नाम का दैत्य था जो किसी भी देवता न किसी देवी से नहीं मर पा रहा था, कोई उसे मार नहीं पा रहा था। तब माँ दुर्गा ने कंजका रूप में अर्थात कन्या रूप में अवतार लिया और अष्टमी तिथि को अवतार लेकर के उस कालासुर नाम के राक्षस का वध किया। तब से कन्या पूजन प्रारंभ हुआ। कन्या पूजन 2 विधान से होता है। पहला विधान अनुष्ठात्मक रूप से, दूसरा विधान लौकिक विधान है। तो जो अनुष्ठात्मक रूप से करते हैं वो प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करते हैं और 9 देवियों के जो स्वरूप हैं उसमें से 9 देवियों का जो पूजन है प्रत्येक दिन अलग अलग पूजन करते हैं। जिस दिन जिस देवी को जो फल जो नैवेद्य पसंद है, जो नैवेद्य अर्पण होता है उसी का भोग लगाया जाता है। और जो लौकिक विधान है, जो अनुष्ठात्मक नहीं जो हम सब लोग करते हैं, वह विधान है कि एक दिन आप 9 कन्याएं आमंत्रित करें और उसके साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखें एक लंगूर को बुलाएं, जो भैरव बाबा के स्वरूप में हनुमान जी के स्वरूप में लंगूर को भी बुलाएं। तत्पश्चात जब लंगूर को बुलाएं, और यह कार्यक्रम आपको कब करना है, लंगूर को बुलाने के लिए और 9 कन्या खिलाने के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष महत्व माना गया है। अष्टमी तिथि क्योंकि अष्टमी को ही माँ ने कन्या रूप धारण किया है, तो अष्टमी और नवमी को इस रूप का विशेष पूजन होता है। तो अष्टमी और नवमी तिथि को 9 कन्याओं का आप सुंदर भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कन्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए और विशेष बात है कि कितने वर्ष की कन्या होना चाहिए। तो हमें 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। और कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, सबसे पहले हम प्रातः उठ करके और कन्याओं को जाकर के आमंत्रित करें, उन्हें अक्षत पुष्प और पुंगी फल देकर के आमंत्रित करें। जब कन्याएं हमारे घर में प्रवेश करें तो उनके ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। अक्षत पुष्प की वर्षा करते हुए कन्याओं का चरण धुल करके घर में प्रवेश करें और उस चरणामृत का पूरे घर पर सिंचन करें, स्वयं उस चरणामृत का पान करें। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जब कन्या हमारे घर के अंदर प्रवेश करने लगे तो महावर को एक थाली में घोल करके रख दें और एक श्वेत वस्त्र उसी के सामने रख दें। जैसे ही कन्या का प्रथम कन्या का प्रवेश हो तो वह कन्या उसी थाली पर रख करके, महावर की थाली पर पैर रख करके, चरण रख करके उस श्वेत वस्त्र में रख दे तो वह जो चरण बन जाएंगे उन चरणों का पूजन हमेशा करना चाहिए। ये तो वास्तविक कन्या पूजन हुआ। दूसरी बात, आप जब घर में पधार जाएं सभी कन्याओं को सुंदर आसन देना चाहिए और आसन दे करके षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। तो षोडशोपचार में पहला पूजन तो आपने कर लिया चरणोदक लेकर के, चरण धुल करके, और इसके बाद आप कन्या के मस्तक पर सुंदर टीका लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, महावर लगाएं, बिंदी लगाएं, चूड़ी लगाएं, चुनरी धारण करवाएं, पुष्पमाला हार पहनाएं, सुंदर धूप दीप से आरती करें और इसके बाद कन्या का भोजन करवाएं। जब कन्या भोजन करवाएं तो देखें कि रुचिकर पदार्थ हो, रुचिकर पदार्थ का ही भोजन करवाना चाहिए और हमें तामसी वस्तुएं अर्थात जो भी बनाएं उस पर कांदा लहसुन बिल्कुल ना होना चाहिए और
कन्याओं को जो रुचिकर हो वह अर्पण करें। और विशेष बात यह रखना चाहिए कि कन्याओं को भोग के बाद जो बचे उसे प्रसाद भी पूरे घर में वितरण करना चाहिए। कन्याओं को यथा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करें। और जब कन्या जाने लगे इस बात का तो मुख्य रूप से ध्यान रखें कि कन्या जब जाने लगे तो उसके हाथ में अक्षत पुष्प दे दें और वह कन्या अक्षत पुष्प पूरे घर में छोड़े और उसी कन्या के हाथ से आप अपने हाथ में प्रसाद ले लें और उस प्रसाद को अपने खजाने पर या अपने भंडार पर रखें जिससे आपके घर पे नित नौ मंगल और आपका अन्न धन लक्ष्मी परिपूर्ण भंडार रहेगा। यही हमारे जीवन पर विशेष रूप से हिंदू धर्म पर कन्या पूजन का महत्व बताया गया है।